गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि मेरा ये जो हेलमेट है AGV पिस्ता GP RR, इसमें एक 360 अडेप्टिव फिट होता है अंदर। सो बेसिकली आप अपने हेलमेट को ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा नीचे किया तो मेरे को यहाँ पे पेन आ रहा है। आई डोंट नो, एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है उसमें किस रीज़न से, तो बस उसको एड्रेस करेंगे। इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन आता है कि आपको कैसे अपने हेलमेट को ऊपर या नीचे करना है, और अगर आपको चाहिए आप यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो। ये वाले पैडिंग इतने एक्स्ट्रा दिए होते हैं इसमें ताकि आप इसको अंदर ऐड कर सकते हो अगर कोई प्रेशर पॉइंट आ रहा है या फिर आपको फिट को थोड़ा सा बदलना है। तो जैसे आप एकदम ये प्रीमियम हेलमेट्स खरीदते हो तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आती ही है, और इट मेक श्योर दैट यू नो इट फिट्स यू परफेक्टली। अब अगर स्पेंडिंग दिस मच ऑन अ हेलमेट तो फिर आई फील ये सारा चीज़ तो देना ज़रूरी है। जस्ट फॉर अ नोट, आई हैव स्पेंड अराउंड 120,000 rupees ऑन दिस हेलमेट, तो फिर सब तो होना ज़रूरी है ना। पहले मैं इसे पहनता हूँ और देखता हूँ कि प्रेशर पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो ये अब यहाँ पे है एकदम सेंटर में, और सेंटर के लिए यहाँ पे देखो BAB ये वाला पैडिंग डालना होगा हमें। और ये आ गया इसका हेडलाइनर बाहर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 360 अडेप्टिव फिट। और जैसे आप ये टॉप के जो आप ये तीन देख रहे हो, इसे अगर हम स्पेस आउट करेंगे तो हेलमेट नीचे जाएगा, और इसे पास लाएंगे तो हेलमेट ऊपर जाएगा। तो उस दिन चलाते चलाते मैंने इसके थोड़ा सा अंदर ले आया था ताकि हेलमेट ऊपर हो जाए, मुझे पेन ना हो, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न फिर भी हो रहा था। सो नाउ लेट्स सी क्या कर सकते हैं। इसको वाइड किया, इसको वाइड किया, और ये जाएगा बीच में। ठीक है, अभी कैसे स्पेस आउट हो गया है। तो अभी मैंने इस पर ये तीनों फोम लगा दिया है। लेट्स सी इसमें कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो इसे निकाल के दूसरी तरफ का लगवाना पड़ेगा, देखते हैं। कोशिश जारी है। ऊपर तीन पैडिंग डाला, पीछे एक पैडिंग डाला, और अभी भी इतना सारा बाकी है। सो फॉर नाउ ये बहुत सही फील हो रहा है, बट देन इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम पहनने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एज दिस इज़ अ रेस हेलमेट, ये स्नैप फिट होता है, पूरा मुँह ऐसे पकड़ के रखता है। तो बस यही बात है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पता करने में। एक दो राइड पे जाना पड़ेगा जो इस वीकेंड तो होने वाली है नहीं। लेट्स सी क्या होता है। और अब पूछोगे मैं ये हेलमेट क्यों पहनता हूँ, बिकॉज मुझे लाइट हेलमेट पहनने का आदत हो गया। सो आई वांटेड समथिंग, बिकॉज मेरा जो पहले बेल था इट वॉज़ वेरी वेरी हैवी, और अभी उसके बाद द लाइटेस्ट हेलमेट वॉज दिस, लाइक दी लाइटेस्ट हेलमेट इन द वर्ल्ड। सो फिर हमने ये उठा लिया। एंड लाइट हेलमेट अगर आप स्पोर्ट बाइक पे पहनो तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये टाइगर वगैरह पे इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। आई विल पिक अप अनदर हेलमेट फॉर द टाइगर, देखते हैं, या तो फिर मैं अपना पुराना वाला बेल ही यूज़ करूँगा टाइगर पे। अभी तक तो मैं वही कर रहा था। कभी कभी अब सेना यूज़ करना होता है तो मैं ये निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें सेना लगा हुआ है ऑलरेडी। बस दैट्स इट। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इसके अंदर लग चुका है, देखिए उसका माउंटिंग वगैरह। देखते कभी इसे ट्राई करने का मौका मिलेगा, तब तक के लिए लेट्स मूव अहेड विद द डे। वी आर डूइंग समथिंग विद माईशा, माई टाइगर 800 XCX। और उसमें हो क्या रहा था कि पीछे का ब्रेक पैड थोड़ा ख़त्म हो गया था, आगे का तो रिसेंटली अभी चेंज किया था मैंने, बट पीछे का डालना बाकी रह गया था। सो अभी हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग। सो दीज आर दी EBC ब्रेक पैड्स आई गॉट फॉर मायरा। मैं अपने हर बाइक में हमेशा EBC ब्रेक पैड्स ही यूज़ करता हूँ, उनके डबल सिंथर्ड वाले, जो कि है ये
और ये मैं एक्चुअली मेरी 300 से यूज़ कर रहा हूँ आज तक, लाइक सारी की सारी बाइक्स में मैंने वही यूज़ किया है। इनका एक ये खास बात है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, विच आई वॉन्ट द मोस्ट, क्योंकि कमिंग डाउन फ्रॉम अ 10R मुझे इसका ब्रेक्स तो मतलब ज़ीरो लगता है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट देन एक वो फील होते जो दिमाग में बैठ जाते, जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है, तो फिर आई एम डूइंग वॉट आई कैन टू इम्प्रूव इट्स ब्रेकिंग द मोस्ट। कभी भी ज़्यादा ब्रेक्स होना आपको हेल्प ही करेगा, वो कोई एक बुरी चीज़ नहीं होगी, आपके पास बहुत अच्छे ब्रेक्स, इट विल ऑलवेज एड अप टू योर बाइक। तो फिर वही, जब भी आप ब्रेक पैच खरीदो मेक श्योर यू गेट द राइट वन फॉर योर यूज़, जैसे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है एंड आई लव दिस। इसका मॉडल नंबर है FA140 फॉर द टाइगर का रियर ब्रेक कैलिपर। आज एक छोटी सी इशू है कि मेरे पास आज ब्रेक क्लीनर नहीं है, तो मैं सोप वाटर और वैसा कुछ यूज़ करके कर लूँगा। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा कुछ ब्रेक डस्ट वगैरह है नहीं, सोप वाटर डाल के एक ब्रश से क्लीन कर लो, उतना ही ऑलमोस्ट सेम काम करेगा, उसके जितना नहीं, बट अभी जो है उससे काम चला रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, आपने फिंगर्स प्रोटेक्ट कर लीजिए, मेरे पास एक ग्लव्स पड़े थे तो मैं ये पहन रहा हूँ। ब्रेक पैड चेंज करने से पहले एक चीज़ ध्यान देनी होती है, आपके कौन से टाइप का कैलिपर है, एंड देन यू नीड टू टेक द प्रोसेस अहेड लाइक दैट। सो ये एक रियर सिंगल पॉट कैलिपर है, जिसमें आपको एक पिन दी रहती है, पिन से इसके दोनों पैड्स अटैच होते हैं और यहाँ पे दो बोल्ट्स होते हैं जो आपको लूज़ करने होंगे। ओके, अगर आपका ये एक फोर पॉट कैलिपर है तो उसमें पिन वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा कैलिपर निकालो, प्रेस करके ब्रेक पैड्स को बाहर निकालो। हम वो बाद में कभी देखेंगे जब वो वाली बाइक आएगी हमारे पास। द फर्स्ट स्टेप इज़ यू रिमूव दिस क्लिप ओवर योर, एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लीजिए, इसको अंदर प्रेस करके। तो ये बोल्ट ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है, ये बेसिकली होता क्या, इसका जो पिन है और ब्रेक पैच को जो पकड़ के रखता है उसका कवर है, और वो ही निकल नहीं रहा था। और आप जिस देख रहे हो, इससे पहले ही बहुत ट्राई हो चुके हैं, जो किसी से खुला नहीं है। अभी हमने थोड़ा WD-40, थोड़ा हथौड़ा, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर सब मिला के उसे खोल दिया है। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं इसे और बाहर निकालने में। अगर ये नहीं खुला होता ना तो आज का वीडियो तो कैंसिल ही था। अभी लकीली खुल गया है, तो हम आगे का काम करते हैं। अब हमें ढूंढना है एलन की। एलन की कहाँ है, कौन सा लगेगा, ये है 5, सो दिस इज 5। तो उन्होंने ब्रेक पैड भी बाहर निकाली, और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा ब्रेक पैड बचा ही है। आई थिंक अराउंड चलेगा थोड़ा, 2-3 हज़ार किलोमीटर और। तो आई एम प्लानिंग टू पुट दिस बैक अगेन, वो नया वाला अभी नहीं यूज़ करूँगा, बाद में जब राइड पे जाएंगे तब करेंगे। तो मैं निकाल के इसे क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद अब मैं इसे वापस करूँगा इंस्टॉल। एंड इंस्टॉलेशन में बेसिकली यही प्रोसेस है कि आप उसे वापस अंदर पुश कर दो। तो भी हमने एक ब्रेक पैड का सेट बचा के सारा कुछ काम हम कर दिया है। अब ऐसे लग रहा है कि बेकार में खोला, बट ठीक है, साफ तो हो गया ब्रेक पैड। और सर चलेगा घर पे अभी? चलो हो गया, चलो सारा काम जाम घर लेके जाएंगे, अभी वापस सेटअप करना पड़ेगा। उल्टा डाल उसको, अच्छा यार, लॉकडाउन में टाइम का पता ही नहीं चलता है, 7 बज गए और कैसे दिन निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। लॉकडाउन का पहला दिन ख़त्म, आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी निकल गया, और हमने आज दो चीज़ें कर ली जो मुझे बहुत दिनों से करनी थी। पहले मैं अपने हेलमेट का पैडिंग एडजस्ट कर लिया, थोड़ा वो मुझे यहाँ पेन दे रहा था, तो हमने वो किया फर्स्टली। सेकेंड थिंग, मायशा का पीछे का ब्रेक पैड मुझे लगा ख़त्म हो गया था, बट देन एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुआ था, बस पता नहीं ऐसे दिख रहा था कि वो ख़त्म हो गया, सो उसको निकाल के एक बार चेक कर लिया, और उसका क्लीनिंग वीनिंग सारा हो गया। तो अभी इट्स गुड टू गो फॉर अराउंड 2-3 थाउजेंड किलोमीटर्स। वो दो इंपॉर्टेंट अपने काम हो गए, एंड मेन रीज़न इज़ यू नो व्हाई यू शुड डू ऑल ऑफ दी स्मॉल थिंग्स ऑन योर बाइक। एक तो पहला, कभी कहीं फंस जाओ तो आप खुद से कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, इफ़ यू स्पेंड टाइम विथ योर बाइक तो आपको समझ में आता है कि क्या कैसे फंक्शन होता है, हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ द थिंग्स ऑफ योर बाइक। कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी डोंट अटेंड थिंग्स, चीज़ें रस्ट होने लगती है, चीज़ें खराब होने लगती है, और अंदर में आपको पता भी नहीं चलता, बट लीड्स टू अ मच बिगर एक्सपेंस लेटर ऑन। सो सबसे मैं सबको एक छोटी चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि व्हेनेवर यू गेट टाइम, प्लीज़ वॉश योर बाइक्स बाय योरसेल्फ, मतलब खुद, यू नो, अगर प्रेशर वॉशर नहीं तो बाल्टी एंड यू नो का वॉश शैम्पू वगैरह लेके आप खुद, तो आपको पूरा आपके बाइक का सरफेस पेंट और हर एक पार्ट एग्जामिन करने का मौका मिल जाता है। वो आप खुद से ही करोगे, जब आप वॉश करोगे आपको एक एक सारी चीज़ें दिखने लगेगी। सो बाय दैट यू कैन कीप अ चेक ऑन योर कार और बाइक्स हेल्थ, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। एटलीस्ट बहुत अच्छा टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और आपका जो बॉन्ड है वो भी उसके साथ ज़्यादा डीप हो जाता है। सो
लेट्स फिनिश दिस ईयर. और अभी आप मुझे बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, कोई DIY या फिर ऐसा कुछ. मैं जितने सारे सजेशंस और रिक्वेस्ट आ रहे हैं सबका मैं एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइज कैन एन्जॉय ऑल ऑफ दिस. एंड छोटा बन गया, बट देन आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप यू ऑल एंटरटेन्ड. ये लॉकडाउन में तो बाहर घूमना अगर कुछ हो नहीं रहा, सब फ़ोन में, इंटरनेट में और ये सारी चीज़ में बैठे हुए, तो फिर क्यों ना हम उसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए. तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. सर लेके जाएंगे तो वापस सेटअप करना पड़ेगा. उल्टा ना उसको, अच्छा लग रहा है उल्टा.